देखिए, स्प्रिंकलर सेट है, किसानों को बड़ी आसानी से विभाग से उपलब्ध हैं, और ये एक एक हेक्टर के लिए 40,000 रुपये का सेट है जी। एक हेक्टर का अगर सेट लेते हैं तो आप कम से कम 5 से 7 हेक्टर इसको शिफ्ट करके अदल बदल के आप शिफ्ट कर सकते हैं जी। और बहुत ही आसान, एक बार में ये जो हमारे नॉर्मल पंप किसान भाइयों के पास होते हैं, जिसको पंप सेट बोलते हैं, 4 इंच डिलीवरी रहती है, उस पंप से इसको आप एक साथ में 10 नोजल चला सकते हैं जी। और बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम अभी इससे पहले रैनगन की बात कर रहे थे, उसके लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए बड़ा पंप चाहिए। ये ऐसा है कि अगर आप यहाँ से बुंदेलखंड में जाएंगे तो आपको बहुत सारा इसका इस्तेमाल मिलेगा। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं इसमें आपका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, जैसे मटर है, मसूर है, चना है, इन सब में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। और अच्छी बात ये है कि एक बार में ये 10 से 12 मीटर की रेंज तक पानी फेंकता है, और इसके दोनों तरफ, चूँकि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आप ये समझ ही नहीं पाएंगे, हमारा खेत बिल्कुल एक बराबर एक सार हर जगह पानी मिल रहा है। और इसमें भी एक इस तरीके से ध्यान से देखेंगे तो ये हर 2 पाइप के बाद में इसको जोड़ दिया जाता है। अभी तो ये अलग है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो हमने अलग से जोड़ दिया है साथ में, ये तो ये हर 2 पाइप के बाद में इसको जोड़ा जा सकता है। और आप हर 2 पाइप जैसी आपकी पंप है, इसमें अगर आपको लगता है कि पंप कम पानी दे पा रही है, 1 नोजल निकाल दिया, 2 नोजल निकाल दिए, तो आपको ये बड़ी आसानी रहती है कि आप किसी भी फसल में शिफ्ट करना है, एंड कैप खोला, पानी निकल गया, उठा के हमने 2 लोगों को मिला के शिफ्ट कर दिया। तो ये पोर्टेबल स्प्रिंकलर बोलते हैं इसको, ये भी हमारे कृषि विभाग से और उद्यान विभाग से दोनों जगह से इसकी आपको सुविधा उपलब्ध है। आप इस पर 80% और 90% का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका कितना कॉस्ट पड़ेगा पूरा? ये 1 हेक्टर में उद्यान विभाग, तो इसका जो है 1 हेक्टर में 40,000 रुपये का सेट है, और इसमें 90% आपको छूट मिल जाएगी, 10% आपका किसान अंश हो गया, इसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो किसान को देने पड़ते हैं जी। तो 10% और 12%, करीब 22% का किसान को देना पड़ता है। अच्छा, जैसे कोई किसान अगर सब्जी खेती करता है तो उसके लिए ये इसमें काम करेगा? ये देखिए, सब्जी और फसलों के लिए तो है ही है, कई कुछ ऐसी फसलें होती जिसमें परागीकरण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है जी। तो क्या होता है, जब आप ऊपर से पानी देते हैं तो वो जो पॉलिनेशन ठीक से नहीं हो पाता, तो स्प्रिंकलर की अपनी एक लिमिट है कि आप उस दायरे में ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी, जी। तो कुछ फसलें जिनमें पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है, उसमें स्प्रिंकलर का इस्तेमाल नहीं करना है, या उसमें बूंदों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इसकी बूंद थोड़ी सी बड़ी होती है, पॉलन को गिरा सकती है। तो इसके लिए और भी रेंज है जिसमें हम किसान भाई जा सकते हैं, वो ड्रिप इरीगेशन के अंतर्गत आती हैं। तो किसान भाई, अब हम आपको बताते हैं ड्रिप इरीगेशन के बारे में, सर बताएंगे उसके बारे में, आप चलिए। देखिए, ड्रिप इरीगेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें एक मिनी स्प्रिंकलर जैसे अभी हम जाएंगे इधर, तो एक तो हो गया आपका मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, और दूसरा हो गया ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये स्प्रिंकलर सबसे छोटा है जी। और ये आलू या जो कंद वाली फसलें जो नीचे बैठने वाली हैं, आलू हो गया, हल्दी है, अदरक है, ऐसी फसलों के लिए बहुत अच्छा है ये। और ये सेमी पोर्टेबल कंडीशन में होता है, इसकी पीवीसी पाइप जमीन के अंदर पड़ जाती है। अच्छा, अच्छा। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसके तहत आप खाद भी दे सकते हैं। अच्छा। होता क्या, जनरली हम किसान भाई खाद को झोली में डाल के और छिट्टा फेंकते हैं, उससे जो खाद की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम रह जाती है, 30-40% फसलों को मिलती है। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है, इसमें अगर आप खाद घोल के देते हैं तो उससे ये फ़ायदा है कि आप खाद पत्तियों पर भी पड़ती है, क्योंकि पौधे का खाद लेने का 2 ही तरीका है, पत्तियों से लेना और जड़ से लेना, तो इससे आपको दोनों जगह खाद पहुंचती है। तो जो और साथ के साथ मिट्टी भी जो ज़मीन की मुलायम रहती है, तो कंदों का विकास अच्छा होता है। और ये इसके बाद में आता है ड्रिप इरीगेशन। देखिए, ड्रिप इरीगेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है कि ड्रिप इरीगेशन कोई मशीन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है कि फसलों को धीरे धीरे पानी देना है, जिस जैसी उनकी ज़रूरत है खाद देना है। तो एक पाइप का पूरा नेटवर्क होता है, इस तरीके की पाइप होती है हमारे पास, इधर दिखा दें कैमरे से, ये हमारे पास पाइप होती है, ये पाइप ज़मीन में फसलों की लाइन के पास फैली हुई रहती है, और इसी से जगह जगह पर इसमें ड्रिपर्स लगे होते हैं, जहाँ से हमारा पानी टपकता रहता है बूंद बूंद के रूप में। और ये सब प्रक्रिया होती है एक पाइप के नेटवर्क के थ्रू, पंप सेट के साथ से हमारा जो पीवीसी से कनेक्शन होता है, और धीरे धीरे करके हमारा कनेक्शन आगे जाके फसलों की लाइन तक ख़त्म होता है। इसमें जो छेद बना होता है पहले से रहता है, करना पड़ता है, ये लेज़र होल रहता है, ये मतलब कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग से ही इस तरीके का डिज़ाइन होता है। अच्छा। ये आपकी जैसी ज़मीन है, जैसी फसल है, उसके हिसाब से इसकी डिज़ाइन आती है। अच्छा। और फसल की ज़रूरत के हिसाब से इसमें
होल रहते हैं वो पानी निकलता रहता है। लगभग कितनी दूरी पर रहेंगे? इसमें नॉर्मली 30 सेंटीमीटर ड्रिपर की स्पेसिंग रहती है, 30 से 40 सेंटीमीटर की, और एक ड्रिपर से करीब 1 लीटर से लेकर 4 लीटर तक का पानी निकलता है। तो वो ज़रूरत के हिसाब से हम उसको चॉइस करते हैं कि मैं कौन सा ड्रिपलाइन इस्तेमाल करना है जी। और इसके साथ में हमारी वेंचुरी होती है जिसकी सहायता से आप खाद दे सकते हैं। अच्छा, किसान भाई जनरली क्या करते हैं, जब छिट्टा मारते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता, वो बहुत सारा खाद बर्बाद हो जाता है। तो इसमें एक ऐसा प्रोविज़न होता है जहाँ पे खाद को हम घोल के रख लेते हैं और वहीं से हम फसल पानी के साथ ही उसको इंजेक्ट कर देते हैं। जिसको खाद है जिसमें हम जा सकते हैं इसमें? देखिए, इसमें खाद जितनी भी है पानी में घुलनशील खादें जाती हैं। अच्छा। जैसे आपका मार्केट में मिलने वाला 19-19-19 है जी, 12-61-0 है, 13-0-45 है, 0-52-14 बहुत सारी खादें हैं जो आप पानी में घुलनशील हैं, और कैल्शियम नाइट्रेट भी पानी में घुलनशील ही आता। तो ऐसी खादें आप पानी में घोल के डायरेक्ट आप सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं, आपको खेत में खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको घोलने का सिस्टम वगैरह है? घोलने का सिस्टम ये है कि एक तो ये सक्शन जो वेंचुरी सिस्टम होता है, ये तो आप जो घोल के रखेंगे वो सिस्टम से खींच लेता है। आपको सिर्फ ये करना है कि एक टैंक बना के उसमें खाद का सोल्यूशन बनाना है। तो वो हमारे जो कंपनी के जो भी इंजीनियर रहते हैं या हमारे जो टेक्नीशियन है या हमारा जो एग्रोनॉमिस्ट है, वो सब किसानों को इस तरीके की सहायता करते हैं। इसमें वो नई तकनीक होती है, किसानों को समझने में दिक्कत आती है, इसमें भी खाद का जो मात्रा है वो भी देखना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैन इरीगेशन का हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहता है कि हम किसान भाइयों तक जाएं तो हम पूरी तरीके से उनको कंप्लीट सॉल्यूशन दें। ऐसा नहीं है हमने प्लास्टिक दे दिए, तो एक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है। तो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जो अपना एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन है, हम जिसका उपयोग जो अपनी फसल की बढ़वार के लिए, अच्छे उपज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तकनीक को हम एक सही तरीके से इस्तेमाल करें, इसके लिए हमारे एडवाइज़र रहते हैं, हमारे एग्रोनॉमिस्ट रहते हैं, जहाँ पे सिस्टम लगता है उसको हम बराबर 2-3 साल तक सर्विस देते हैं ताकि उसका वो सही लाभ उठा पाए जी। तो ये इसका कितना कॉस्ट होता है लगभग? ये 1 हेक्टेयर में लगभग 1,70,000 रुपये कॉस्ट होती है जी। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट में क्या जो इस तरीके की पॉलिसी है कि उस पर 90% का छूट रहता है, लेकिन 90% यूनिट कॉस्ट पर रहता है जी। तो थोड़ा सा इसमें चीज़ें हैं कि 1 हेक्टेयर पर अगर हम क्लोज स्पेसिंग में जाएंगे तो 1,16,265 रुपये की सब्सिडी है एक किसान को 1 हेक्टेयर पे, और एक किसान भाई अपने 5 हेक्टेयर तक का एक काश्तकार किसान जो ले सकता है सब्सिडी। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,16,265 और 5 हेक्टेयर तक ले सकता है। तो बहुत, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लाभ किसान भाई के लिए है, इससे अच्छी कोई योजना किसान भाई के लिए नहीं हो सकती है जी। और जैसे कि जो भी किसान भाई मशीन अपने पास ले आते हैं तो उसकी कोई गारंटी वारंटी भी रहती है? बिल्कुल, 3 साल तक हम उस किसान भाई को सर्विस देते हैं पूरी जी, जी। मतलब ऐसा नहीं कि हमने दे दिया सिस्टम, उसको कैसे फसल लगानी है, कौन कौन सी खाद देनी है, किस तरीके का शेड्यूल अपनाना है, कैसे पेस्टिसाइड देने हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। तो ये ड्रिप इरीगेशन टेक्नोलॉजी आपके केले के लिए, गन्ने के लिए, सब्जियों के लिए अमृत जैसी है जी, जी। आप इसमें कम से कम 50% 2 गुना लाभ उठा सकते हैं, उपज का कम से कम 2 गुना प्रोडक्शन आता है। तो ये इसका बहुत मैजिकल अचीवमेंट कह सकते हैं, अगर आप ड्रिप सिस्टम लगाते हैं तो किसी भी फसल का आप 2 गुना प्रोडक्शन ले सकते हैं। बहुत अच्छी तकनीक है ये। तो किसान भाई आज विभाग में जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करा। ये जो कंपनी है ये कौन से जगह पे मतलब है? ये लखनऊ में शहीद पथ पे निराला नगर में हमारा ऑफिस। अच्छा, ऑफिस हमारा C90 निराला नगर में है, और हेड ऑफिस जलगांव में है। इसमें हमारे ये शिव पटेल जी इंजीनियर साहब हमारे यहाँ जो देखते हैं लखनऊ का 8 जिला देखते हैं, इनका मोबाइल नंबर 9453007807 आपका नंबर है, और मेरा अनिल कुमार, मेरा मोबाइल नंबर है 9454509519। तो ये मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं जैन इरीगेशन से, जिसमें आपको जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट से या विभाग से जहां से मिल रही हैं इसकी में पूरी मदद की जाएगी और सिस्टम लगाया जाएगा। धन्यवाद जी। देखिए, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं उससे पहले मैं बता दूं, मैं उद्यान विभाग से नोडल अधिकारी ड्रिप बोल रहा हूँ। ये जो सिस्टम आपके सामने लगा है ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम का जो हमारा हेड यूनिट है जो हमारे समर्सेबल पंप से मतलब अटैच होता है, और फिर वहाँ से ये पानी फिल्टर हो करके वेंचर के माध्यम से ये सब खाद वाद लेते हुए तब वो आगे सप्लाई जाती है, जो हमारी जो लेटरल पाइप है उनसे बूंद बूंद करके पौधे के पास में टपकता है पानी। तो ये जो अभी आपने सिस्टम देखा था वो खुला सिस्टम था, अब ये पूरा सिस्टम हमारा बनके इस तरीके से तैयार हो जाता है पर करना होगा। और ये चीज़ें जो हमारे लघु सीमांत कृषक भाई हैं उनके लिए 90% पर है,
और जो बड़े किसान हैं 2 हेक्टेयर से ऊपर भूमि जिनके पास है उनको 80% सुविधा पर ये उपलब्ध है। 80 से 90% अनुदान इस चीज़ पर विभाग द्वारा दिया जा रहा है। धन्यवाद।